ये है खेणा, मम्मी थोड़ा सा ही लाई थी। मुझे तो ना सच में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। आज मैंने फर्स्ट टाइम तिरंगा मतलब अपने हाथ में पकड़ा है। आज मेरी 100 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपकी मेरी एक नई वीडियो में। तो सुबह की बज चुकी है 9, और जैसे कि आप इस टाइम देख रहे हो, वाह मौसम तो एकदम बहुत ही ज़्यादा सुहावना है। हल्की हल्की बारिश आ रही है तो काफ़ी अच्छा है। वैसे यहाँ काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, पर ठंड भी है, तो घर का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये टाइम है नाश्ता करने का। तो इस टाइम मैं और इस टाइम तो मेरा भाई है नहीं घर पे, तो अभी मैं और मम्मी हैं। तो हमने नाश्ता तो बना के रखा हुआ है लेकिन अभी तक खाया नहीं है, तो टाइम तो अब हो ही गया है। तो पहले हम खाना वाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या होता है। कहीं घूमने जाने का प्लान होगा तो वहाँ चलेंगे, तो फिर भी देखते हैं आगे जाते कहाँ हैं। वैसे तो खेत में भी जाना था मम्मी के साथ मुझे, आज मैंने सोच रखा था आज मुझे जाना है, पर फिर भी अभी तो बारिश हल्की हल्की है, क्या पता थोड़ी सी धूप निकले तब जाऊँ। लेकिन पहले हम करते हैं नाश्ता। भाई भी पहुँच चुका है और अब तीनों साथ में करेंगे। और आज ये जाने वाला है मंदिर में, क्योंकि गाँव में वो है बेलपत्री, तो ये आज मंदिर के दर्शन करके आएंगे। मम्मी खेत से अभी पहुंची थी और अभी जल्दबाजी में फटाफट सिलेंडर हो गया है मम्मी का तैयार, और रोटी वोटी भी तो खाई नहीं, बस मुंह धोया है। और ये यहाँ पे सिलेंडर ले जाने की तैयारियाँ हैं जल्दबाजी में, क्योंकि सिलेंडर आ गया है नीचे, इसीलिए भाग के अभी आई थी खेत से, आराम भी नहीं करा और सीधे चली गई। यहाँ देखो बाहुबली को, छोटी बाहुबली जल्दबाजी में रस्सी भी नहीं लगा रही, ऐसे ही लेके चली गई। मम्मी खेत से आने के बाद अपने साथ कुछ लेके आई थी स्पेशल मेरे लिए। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है कि खेत में पेड़ पे, मतलब यहाँ एक पेड़ होता है, वो एक जंगली फल है, उसका नाम है खेणा। तो बहुत सारे लोगों ने तो इसका नाम सुना भी नहीं होगा ना इसको देखा है, तो आज मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। आज मेरी मम्मी लाई थी काफ़ी टाइम बाद, मैं भी आज ही टेस्ट करूँगी इसको। तो ये भी एक अलग ही मौसम में होता है, तो उसका मौसम यही है, आज ही कल होता है वो सावन के महीने में। तो आज बड़ी मुश्किल से मम्मी भी लेके आई है, तो आपको मैं वो दिखा देती हूँ। वैसे इस उत्तराखंड में ऐसे ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना, जिनके नाम कभी किसी ने सुने भी नहीं होंगे, जो बाहर के रहते हैं और ना कभी देखा होगा, और ये तो मार्केट में मिलना भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ खेणा। ये है खेणा, मम्मी थोड़ा सा ही लाई थी। तो मतलब इनको पहले धोते हैं, उसके बाद इनको मतलब वो करते हैं, मतलब इसके ऐसे करके, ये अंदर से दिखने में कुछ ऐसा होता है इस कलर का। तो इसके अंदर वाला जो ये पार्ट होता है इसी को खाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, सच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ मतलब ऐसे ऐसे फ्रूट्स होते हैं उत्तराखंड में कि मैं बता नहीं सकती। हर मौसम में जंगली फल लगे रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, और इस मौसम में है ये। तो जिसको भी खानी हो तो घूमने आ जाए, मतलब यहाँ आ जाना। शाम की बज चुकी है 6, और जैसे कि आप देख रहे हो धूप तो बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की है इस टाइम भी। और अभी मेरे हाथ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये झंडा, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मतलब 2 अगस्त से और 15 अगस्त तक मतलब अपने घर में DP इन सब पे तिरंगा लगाना है। तो आज हमने सोचा हम भी लगा ले, तो वैसे सबके घरों में ही लगा था, तो मैंने सोचा आज शाम को मैं भी अपनी छत में लगाऊंगी। तो इस टाइम मैंने इसको बांस के डंडे पे तो लगा ही लिया है, तो अब बस इसको लगाते हैं हम भी एक जगह पे। मुझे तो ना सच में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम तिरंगा मतलब अपने हाथ में पकड़ा है। फ़र्स्ट टाइम है ये मेरा जब मैंने झंडे को हाथ में लिया है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ यार, फ़र्स्ट टाइम है मेरा ये। तो हम इसको लगाने की मैंने जगह भी ढूंढ ली है, तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी, तो देखते हैं ये इसके ऊपर लगेगा या नहीं। वैसे मैंने खाया तो था, तो ये इसके ऊपर नहीं आ रहा, इतनी मेहनत से तो मैंने इसके इतने ऊपर तक ये डाला था। मैंने भी इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, तो मैंने इसको यहाँ पर ही लगा लिया है ऐसे ही इस पर। तो हमारा भी झंडा लग चुका है, वैसे सबके घरों में लगा है ऊपर नीचे सबके ही, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आज मेरी 100 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब पर। जिस दिन से स्टार्ट करा उस दिन से लेकर आज मतलब 100 वीडियो पूरी हो चुकी है, तो मैंने आज शतक मार ही लिया है। पर अफसोस मतलब मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक, तो मतलब
होता है ना, मतलब कुछ अच्छा नहीं है। अभी तक 250 सब्सक्राइबर भी मेरे पूरे नहीं हुए हैं और ना ही कुछ अच्छा व्यूज़ ये सब आते हैं, तो मतलब थोड़ा सा तो आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत वो होता है कि मेरे मतलब 100 वीडियो हो चुकी है कंप्लीट उस टाइम से अभी तक, बट कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें। जब कुछ अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो कभी कभी बहुत वो होता है अंदर से, बहुत अजीब फील होता है कि मतलब बहुत सैड टाइप की वो होती है कि हाँ यार मैं इतना कर रही हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैंने ऐसे नहीं कि छोड़ दिया होगा, अभी भी मैं हूँ, ऐसे नहीं कि छोड़ दूँगी, मैं कोशिश करती ही रहूँगी, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करती ही हूँ हर रोज़ और कोशिश करती ही रहूँगी। मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, मुझे पता है अभी मेरा बेस्ट नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। पर प्लीज़ थोड़ा सा आप भी मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी थोड़ा सा मुझे प्यार दें। तो अब ज़्यादा क्या ही कहना है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।